बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। चाय के साथ हमेशा ही कुछ हल्का फुल्का सा खाने का दिल करता है, तो आज हम आपको बताएंगे हमारे स्टाइल में टी टाइम स्नैक्स की बहुत ही मज़ेदार सी हल्की फुल्की सी रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। तो फिर चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों और बड़ों के लिए स्नैक्स मसालेदार। चलाएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। व्यूअर जी, हमने दो अदद आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया था, उबाल के इनका छिलका उतार लिया है। अब हम इसको क्रश कर लेते हैं, फिर हम आपको क्रश करके दिखाते हैं। ये हमने आलू को क्रश कर लिया है, अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड करेंगे। भैया जी देखिए, हमने मिक्सी जार में चला लिया था, उसका पेस्ट फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच, आधी पिंच मैंने हल्दी डाली इसमें, आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। हम एक कप डालेंगे इसमें चावल का आटा, ये मैंने अंदाजे से डाली है, और आधा कप जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर यानी कि हरा रोट। अब हम इसको करते हैं मिक्स। इसका आटा गूंदेंगे हम, आपको आटा गूंद के मैं दिखाती हूँ। मैंने नरम सा आटा गूंद लिया है इसका। चले अब हम इसको बेलते हैं। प्याज ये देखिए हमने बेल लिया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आपके पास कटर है, आप कटर से कर लें या कोई ढक्कन ले लें, उसके हिसाब से कटिंग कर लें। ये हमने सारे स्नैक्स बना लिए हैं, अब ये साइडों से हम हटा लेते हैं। ये देखें हमारे स्नैक्स सारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम ये सारे स्नैक्स इसमें डाल देते हैं और इसको मीडियम आंच पे पकने देते हैं। इसको हमें तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम आंच पे ही पकाना है इसको। ये देखिए हमारे स्नैक्स कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। हम इनको अभी पलटते हैं, फिर एक से दो मिनट हम इसको पकाते हैं, फिर आपको कंप्लीट दिखाते हैं। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, हमारे स्नैक्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक बनके तैयार हैं। बच्चों के बहुत फेवरेट, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप खुद भी खाएं और घर में सबको बना के खिलाएं, सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं व्यूअर्स। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। तो व्यूअर्स फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।